मार्क जकरबर्ग से एक बार पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि पिछली रात आप किस होटल में रुके थे। पहले तो उन्होंने कुछ देर सोचा और उसके बाद में उन्होंने ना कहा। थोड़ी देर बाद फिर से उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते आपने किन लोगों को मैसेज किया था। उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ मैं सबके सामने नहीं बता सकता। यानी जिस इंसान को हर इंसान की जानकारी है, उसकी जानकारी ना तो किसी को है और ना ही वो किसी को बताना चाहता है। आज मैं आपको सोशल मीडिया की कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में बताऊंगा जिनसे आप आज तक अनजान थे। आज की डेट में शायद कोई युवा होगा जो कि सोशल मीडिया यूज ना करता होगा, और आप तो डेफिनेटली करती होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हो। ये सोशल मीडिया ऐप्स बनाई तो स्मार्टफोन के लिए गई थी, लेकिन अब स्मार्टफोन ही सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, फिर उस पर अपना अकाउंट बनाते हो, तो अकाउंट बनाने के बाद में आपने एक बात तो नोटिस जरूर की होगी कि वो एप्लीकेशन आपसे आपका इंटरेस्ट पूछती है, ताकि आपका उसमें एंटर करते ही आपको वो दिखाया जाए जिसमें आप इंटरेस्ट हो और आप बोर ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उनकी एप्लीकेशन पर स्पेंड कर सको। 2 मिनट भी नहीं लगते और ये सोशल मीडिया ऐप्स आपको आपसे भी ज़्यादा जान लेती है और तुरंत पता लगा लेती है कि ये इंसान क्या देखेगा और क्या नहीं। आपको एक वीडियो या फिर कोई पोस्ट देखोगे और फिर उसे लाइक करोगे, उसके बाद में आपके सामने ऐसी पोस्ट, वीडियोस और रील्स आएगी कि आपको उस एप्लीकेशन को छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। आज हम इसके पीछे का साइंस समझते हैं कि ये सोशल मीडिया ऐप्स इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, और क्यों हम ना चाहते हुए भी बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते हैं और ना चाहते हुए भी अपने घंटों बर्बाद करते हैं। देखो, जो भी ये सोशल मीडिया ऐप्स को डिज़ाइन करता है, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इंसानी दिमाग को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया होता है, जिन्हें ये पता रहता है कि इंसानी दिमाग किस तरह से काम करता है और हमें किस तरह से इनसे काम करवाना है। देखो, इंसानी दिमाग की फितरत होती है तारीफ सुनने की, क्योंकि हर इंसान को अपनी तारीफ सुनने के बाद में एक बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है। अब रियल लाइफ में तो कोई तारीफ करता नहीं है, इसके लिए लोग सोशल मीडिया पर अपने फोटो शेयर करते हैं तारीफ सुनने के लिए। अपनी तारीफ को सुनने के लिए पता नहीं लोग कितनी मेहनत करते हैं, और जब उन्हें एक बार तारीफ मिल जाती है तो उसी तारीफ को दोबारा से पाने के लिए फिर से वो अच्छे फोटो क्लिक करते हैं, फिर से उन्हें एडिट करते हैं और फिर से उन्हें सोशल मीडिया ऐप्स पर अपलोड करते हैं, और बार बार लाइक्स एंड कमेंट चेक करते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए। और यहाँ तक तो ठीक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हैं, हमें तारीफ मिल रही है, हम खुश हो रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहीं पर आता है खेल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमने बात की कि इंसानी दिमाग की फितरत होती है तारीफ सुनने की, लेकिन साथ ही साथ इंसानी दिमाग की फितरत होती है कंपेयर करने की। आपने कोई फोटो अपलोड किया तो आपको तो तारीफ मिल रही है, लेकिन तारीफ करने वाला तारीफ करने के साथ साथ खुद को आपसे कंपेयर भी करता है। इवन आप भी जब किसी के फोटो को देखते हो तो ठीक से देखा नहीं कि खुद को सामने वाले से कंपेयर करने लगते हैं, और इसी वजह से कई सारे लोग कोशिश करते हैं अपने फोटो को सामने वाले से भी अच्छा बनाने की, और ये चेन बनती चली जाती है और पूरी दुनिया इसमें फंसती जा रही है। और ये भी कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि इंसान रियल लाइफ में तो सैड होकर सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ को शो कर रहा है, और सामने वाले लोगों को लगता है कि ये इंसान बहुत खुश है और मैं बहुत दुखी हूँ, और ये चेन कितनी लंबी है आप सोच भी नहीं सकते। और इन सब में हमारी गलती नहीं है, क्योंकि तारीफ सुनना और कंपेयर करना इंसानी दिमाग की फितरत है, और इसी का फायदा उठाया है इन सोशल मीडिया ऐप्स वालों ने। पर आपने कभी ये सोचा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका सिर्फ एक मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनकी ऐप पर बिता सको। वो चाहते हैं कि आप उनकी ऐप्स को छोड़कर कभी जाओ ही ना। हमें एंटरटेनमेंट के नाम पर इसकी लत लगवाई जा रही है, इस बात को हमें समझना है। कैसीनो का नाम तो आपने शायद सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो सिर्फ इतना जान लो कि ये एक जुए वाला गेम है और बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव गेम है, और जिस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है उसी तरह से सोशल मीडिया ऐप्स भी। और उन्होंने तो डिज़ाइन करके छोड़ दिया, उसके बाद में आज के युद्ध पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। दूसरों की फेक लाइफ को हम अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इतना गंदा बना रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनकी फेक सोशल लाइफ को देखकर हम अपनी रियल लाइफ को कचरा समझने लगे हैं, और इसकी वजह से हमें अंदर ही अंदर बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, और इसी फीलिंग की वजह से हम अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को कबाड़ समझने लगते हैं। जबकि हो सकता है कि बिहाइंड द सीन सामने वाले की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बदतर हो, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन फेक ज़िंदगी को देखकर अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करके हमें तो बुरा महसूस करना है। सोशल मीडिया की वजह से हम स्मार्ट, हैप्पी, सोशल और कनेक्टेड तो हुए, लेकिन साथ ही साथ हम डिवाइडेड, अनग्रेटफुल, एंग्शियस, फेक, लेजी, डम्ब, डिप्रेस्ड और रियल लाइफ में हम डिसकनेक्ट भी हो चुके हैं। हम सब एक हैप्पी पिक्चर के साथ में एक दुखी इंसान बन गए हैं। हमें अपने लिए जीना है, ना कि दूसरों के लिए। जो दूसरे चाहते हैं, जैसा दूसरे सोचते हैं, वैसा हमें नहीं बनना। हमें तो वैसा बनना है जिसमें हम खुश हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। जो है, जैसे हैं, वो दिखाओ। फेक नहीं बल्कि रियल बनना सीखो, और सोशल मीडिया पर कम और रियल लाइफ में ज़्यादा खुश रहो, और रियल लाइफ में लोगों के साथ में कनेक्ट रहो, ना कि सोशल मीडिया पर। एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पर 90% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, और ना सिर्फ ये मेरे साथ हुआ है बल्कि आप सबके साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा। सामने सब बैठे हैं लेकिन सब लोग अपने फ़ोन में घुसे हुए हैं।
अगर अभी ये हालात है तो सोचो आगे क्या होगा। अब आप में से कई सारे लोग ये कमेंट भी करेंगे या फिर कर चुके होंगे ऑलरेडी कि भाई तू भी तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो बना रहा है, तू क्यों नहीं छोड़ देता सोशल मीडिया। देखो लोगों में और मुझ में एक फर्क है, बाकी सब कंज्यूमर है, मैं एक क्रिएटर हूँ, ये मेरा काम है। मेरा काम है पॉजिटिविटी को फैलाना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हर इंसान का ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना, और इन्हीं कुछ मकसद को पूरा करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूं। सिर्फ यही मकसद है मेरा और कुछ नहीं। और मेरा ये मैसेज आप सभी कंज्यूमर को है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।